हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे ऑल इन वन एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अभी आप इस लड़की की तस्वीर देख रहे हैं। ये लड़की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मतलब अपनी सपनों की कार खरीदने के लिए केवल 4 महीने में इतना पैसा कमाया, 56.70 लाख की कार खरीदने की अपनी ड्रीम पूरा किया। तो चलिए, किस तरह कमाया और कैसे कमाया मैं आपको बता देती हूँ। और आपको उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, कोई भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और दूसरे वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहेंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त तो पैसा है या आपकी हर पसंदीदा चीज़ है आपके पास और अपनी ज़िंदगी के रवैये से आप खुश है, तो अगर आपका जवाब हाँ है तो अपना समय ना बर्बाद करें और इस वीडियो को बंद कर दे। अगर जिन्होंने नहीं कहा है तो वो इस वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस लड़की की सारी जानकारी बताएंगे। तो इस लड़की का नाम है शालिनी आहूजा। इस लड़की शालिनी की उम्र है 26 साल और मुंबई में रहती है। शालिनी एक आम लड़की के जैसी, जिसके परिवार को किसी भी दृष्टि से खाता पीता नहीं कहा जा सकता। जब शालिनी पैदा हुई उसके माँ बाप मध्यम आयु वर्ग के थे। शालिनी की माँ एक क्लिनिक में नर्स थी, जबकि उसके पापा एक डंप ट्रक ड्राइवर थे। शालिनी की बचपन की बातों में शालिनी के माँ बाप का बड़ी मुश्किल से सबसे सस्ता वाला खाना और कपड़ा खरीदना ही याद है। कभी भाग्य अच्छा रहा तो छुट्टियों के लिए भी 4 पैसे बच जाते थे। और शालिनी 3-4 सालों में एक बार कहीं घूमती आते थे। 12वीं पास करने के बाद शालिनी ने कॉलेज जाने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि शालिनी अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाने थे। तो शालिनी एक नौकरी ढूंढ ली और 8,000 रुपये की मासिक वेतन पर बिक्री सहायक के रूप में काम किया। वो 2008 था और तब मुंबई में इस वेतन पर शुरुआत करना ख़राब नहीं था। और शालिनी आजीविका चलाने के लिए काम भर के पैसा तो कमा रही थी, पर उसका सपना था एक ब्रांड न्यू खरीदना था। उसको पता था कि ये बहुत महंगी थी और इसके लिए शालिनी को सालों तक पैसे बचाने पड़ेंगे, पर शालिनी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर ये शालिनी का सपना था और सपने 1-2 दिन में तो पूरे नहीं होते। तब शालिनी ऐसा ही सोचती थी, महंगाई के कारण कीमतें बढ़ गई और मुंबई में गुजारा करना और मुश्किल हो गया। तब शालिनी अपनी वित्तीय परिस्थिति को लेकर बहुत निराशा हो गई। लोग परेशान थे पर उसके पास काम जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर 3 महीने और बीत गए और शालिनी बच्चों के कपड़ों वाली जिस दुकान पर काम करती थी वो दिवालिया हो गई। इस तरह शालिनी बेरोज़गार हो गई और शालिनी के पास आमदनी का कोई और ज़रिया भी नहीं था। शालिनी को अपने माँ बाप के मदद से गुजारा करना पड़ रहा था। ये सच में बहुत निराशा वाली दौर था और शालिनी बदहवास होकर इंटरनेट पर किसी रोज़गार अवसर की तलाश कर रही थी, पर 2 महीने के बाद भी कोई परिणाम नहीं आया। 2 हफ्ते और गुजर गए
पूरी तरह से निराशा में डूब रही थी शालिनी, जब अचानक शालिनी एक वेबसाइट पेज पे देखा। इसमें एक लड़के की कहानी थी जो इंटरनेट पर घर बैठे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके 6 लाख रुपए कमा चुका था। उसने बताया कि उस लड़के ने ओलंपिक ट्रेड के माध्यम से उसने बाइनरी विकल्पों की सट्टेबाजी की थी। वो मुझे तो चक्कर आ गया, क्या यही वो जीवन में एक बार मिलने वाला मौका जिसका मैं अब बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पहले तो शालिनी कुछ समझ में नहीं आने के कारण, फिर शालिनी और ज़्यादा जानकारी के लिए उस वेबसाइट और फॉरम ब्लॉग को विषय से संबंधित अन्य स्रोतों की छानबीन की, और शालिनी इसमें खासी जानकारी ले ली। और शालिनी अभी भी कितनी ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी, और शालिनी के लिए विशेषज्ञ बन जाना और ऑनलाइन पैसा कमाने की शुरुआत करना बेहद रोमांचक था। शालिनी ने अपने कष्टप्रद पूर्णकालिक नौकरी छोड़कर 2 दिनों में घर बैठकर हर दिन 25,000 रुपये से 40,000 रुपये तक कमाना शुरू किया, और शालिनी ने इसमें सफल भी रही। शालिनी ने कहने लगी कि अगर मैं आप चाहे तो आप भी कमा लेंगे, अगर मैं अपना रहस्य आपको बता दूं तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा, पर उससे आप में से कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने और वित्तीय रूप से आज़ाद होने में मदद मिलेगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, अभी आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगी कि अभी तक बाइनरी विकल्पों की सट्टेबाजी कहकर आप एक ट्रेडिंग का नाम सुना, तो चलिए अभी ये कहानी सारी बंद करते हैं शालिनी की, तो उसके बाद उस बाइनिंग विकल्पों की जानकारी मैं आपको बताऊंगी। यह है एक बाइनिंग विकल्प वित्तीय बाजारों में कमाई का एक क्रांतिकारी तरीका है जो बहुत आसान और तेज और बेहद लाभप्रद है, और संभवत वित्तीय बाजारों को ऐसे स्थानों के रूप में जानते होंगे जहां डॉलर, यूरो या पाउंड जैसी मुद्राओं की 24 घंटे यानी लगातार सट्टेबाजी की जाती है। आपको बस किसी बाइनरी विकल्प वेबसाइट पर अपना मुफ्त खाता खोलना है, पैसा कमाना जमा करने हैं और निवेश के लिए एक रकम चुननी है, और अनुमान लगाना है कि कुछ मिनटों या घंटों में कीमतें कितनी होंगी। केवल 2 ही विकल्प मौजूद है, ऊपर या नीचे, या सट्टेबाजी 1 मिनट से लेकर 3 घंटे तक कितनी भी देर चल सकता है, और आपको इस दौरान कोई भी समय सीमा चुननी है। यदि आपका अनुमान सही है तो आपकी निवेश की रकम लगभग दुगनी हो जाती है, अगर यह गलत निकलता है तो बस निवेश की रकम के बराबर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो वास्तव में यही आपका काम होगा अगर आप मेरे निर्देशों के पालन करते हैं, इसे सट्टेबाजी कहते हैं, और इस तरह काम करने वाले व्यक्ति को सट्टेबाजी कहते हैं। एक सट्टेबाजी के रूप में आप कहीं से और कभी भी काम कर सकते हैं। आपके पास बस एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि ये कितना आसान है, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है कि ये काम कैसे किया जाता है। ओलंपिक ट्रेड पर जाकर आप एक मुफ्त खाता बनाइए, वही दलाल है जिसके बारे में लड़के ने लिखा था। बाद में पता चला कि ये तो असल में इंटरनेट पर मौजूद बाइनरी विकल्प के लिए सबसे अच्छे दलालों में से एक था। खाता खोलने के बाद मुझे डेमोक्रेटिक में 6,50,000 रुपये मिल गया, जो कि परीक्षण और अभ्यास में बहुत मददगार होते हैं।
यह सबके लिए पूरी तरह से मुफ्त है। इसलिए मैंने इन नकली पैसों से सट्टेबाजी शुरू की और एक ही घंटे में मुझे 11,000 का लाभ हुआ। पर ये तो डेमो क्रेडिट भर थे, जबकि मैं असली पैसे की तलाश में भटक रही थी। बिना पैसा जमा किए असली पैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन ओलंपिक ट्रेड के साथ इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको पैसा जमा करने के कई विकल्प देता है, जैसे कि सभी मुख्य क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट। इस तरह से शालिनी ने यहाँ पे दिखने वाला, आपको मैं अभी तस्वीर में बता रही हूँ, यह है ओलंपिक ट्रेड का टूल। और शालिनी ने उसी दिन अपने पुराने वीज़ा कार्ड से पैसे जमा किए जो दुकान में काम करते वक्त प्रयोग करती थी। उसने एक छोटी रकम का निवेश करने का निर्णय लिया। ओलंपिक ट्रेड का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप 2,000 रुपये जितनी छोटी रकम से भी सट्टेबाजी शुरू कर सकते हैं, और शालिनी भी इतनी छोटी रकम जमा कर सकती थी और मुश्किल से घंटे भर ही असली पैसों से सट्टेबाजी की थी। जब शालिनी खाते की शेष रकम बढ़कर 4,100 रुपये हो गई, यह वाकई अविश्वसनीय था। और शालिनी दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था शालिनी का, और शालिनी ने ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, और मन में बस एक ही बात आ रही थी, शुक्रिया भगवान, मैंने कर दिखाया था। उस रात बिल्कुल नहीं सोई और अगले दिन तक शालिनी के खाते में 12,700 रुपये आ चुके थे। ये निर्देश हो गया कि शालिनी ने अपना सपना नहीं देख रही है। अगले दिन शालिनी पूरे समय अपने इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से चिपकी रही, और आधी रात को शालिनी के खाते की शेष रकम 40 पर 9,000 यानी कि 49,900 रुपये थे, और शालिनी की पहली बड़ी सफलता थी। इसलिए ये नंबर शालिनी को हमेशा याद रखेगी, और 49,900 रुपये में से 12,700 रुपये निकालने पर बचते हैं 37,200 रुपये। यानी इतने रुपये शालिनी केवल 12 घंटे में कमाए। इससे पहले कभी भी शालिनी एक दिन से काम करके करने समय इतने पैसे नहीं कमाए थे। उस दिन सोने से पहले शालिनी अपने वीज़ा कार्ड में 45,000 रुपये डालने के लिए निकासी का अनुरोध किया। सोने से पहले सोच रही थी कि ये सब कहीं सपना तो नहीं। सुबह जागी तो फ़ोन पर एक मैसेज मिला। मेरा बैंक मुझे सूचित कर रहा था कि शालिनी के खाते में 45,000 यानी कि 45,000 रुपये डाल दिए गए थे। 45,000 रुपये तुरंत अपना कार्ड चेक किया। एक दिन पहले एक मोबाइल भुगतान और ओलंपिक ट्रेड में पैसे जमा करने के बाद 600 रुपये से भी कम बचे थे, और उसके बाद 45,000 रुपये कम बन गया। ये बेहद अच्छा दिन था, पिछले कुछ सालों में तो सबसे अच्छा दिन। अगले हफ्तों में 4 लाख रुपये कमाए शालिनी ने। अगले 2 महीनों में 18 लाख रुपये, और अगले 2 महीनों में 60 लाख रुपये, और अब मैं 80 लाख रुपये की ब्रांड नई मर्सिडीज बेंज खरीद सकती थी। तो मेरे सपनों की कार, सपने जो कभी मर चुके थे, यही है वो जो कार शालिनी अभी बैठी रही। देखते हुए कि मुंबई में कार बहुत महंगी है, और शालिनी 35 लाख रुपए का लोन तो लेना पड़ा था, लेकिन शालिनी की कमाई के हिसाब से इसे चुकाने में कोई दिक्कत नहीं थी। शालिनी जल्द ही अपना लोन चुकता कर दिया। यह है शालिनी और उसकी मर्सिडीज बेंज कार के साथ। जिस दिन
शालिनी ने खरीदी थी ठीक उसी दिन की, और उस पोस्ट को टाइप करते हुए सब कुछ दोबारा याद करके कोशिश कर रही थी शालिनी। इतने पैसे कैसे कमाए? जवाब बहुत आसान है, मुझे खुद पर यकीन था और एक मौका मिला और मुझे विश्वास था कि उस वेब पेज वाले लड़के की तरह मैं भी पैसे कमा सकती हूँ और बस। तो आपको यकीन करने की ज़रूरत है कि आप भी पैसे कमा लेंगे। यकीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, कभी भी नहीं। यदि आपको खुद में यकीन नहीं है तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे लम्हे तो पहले ही गुजार चुके हैं। आप उसी तरह सोचते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। यदि आप निराशा है और किसी भी चीज़ पर या किसी भी व्यक्ति पर यकीन नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को बदल देने वाले मौके को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे मौके को हर जगह तलाशने की कोशिश कीजिए, हर उस घंटे में जो आपके आसपास होती है, हर उस व्यक्ति में जिससे आप मिलते हैं, हर उस कहानी में जो आप इंटरनेट पर पढ़ते हैं, हर कहीं हमेशा इन मौक़ों को बुनाने की कोशिश कीजिए। ये पूरी तरह से आपके हैं और फिर आप भी पैसे कमा लेंगे। किसी क्या ये कोई चमत्कार से कम दिख रहा आपको? तो शालिनी को देखकर हम भी क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? लेकिन फिर भी ऐसा हुआ शालिनी के साथ, तो इसलिए यह वास्तविकता में शालिनी बस एक लेख पढ़ा, खुद पर यकीन रखा और एक निर्णय लिया, और इस तरह से शालिनी ने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए मैं दूसरे वीडियो में आपको इस वेबसाइट की सारी जानकारी बताऊंगी। तो इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप भी पैसा कमाना चाहते तो अगर इस वेबसाइट के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कोई भी नहीं ऑन किया तो ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जल्द ही 2 दिन में आपको इस वेबसाइट की सारी जानकारी के साथ वीडियो बना के दूँगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और नए वीडियोस बना सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से ज़रूर जुड़िए और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।